आज का दिन कितना अच्छा है। हाँ, मुझे कौन मैसेज कर रहा है? ये तो मॉम का है। एक सरप्राइज। अरे वाह, काश वो मेरे लिए पॉपी लाई हो। अरे यार, ये क्या है? मुझे लगा था कि कुछ बहुत बढ़िया होगा। अरे यार, इस जगह को देखो, कितना गंद मचा हुआ है। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सरप्राइजेस तो अच्छे होते हैं ना, लेकिन इसे देखकर तो मुझे और बुरा लग रहा है। क्यों मॉम, क्यों? कम से कम मेरे पास पिकाचू तो है जो मुझे कभी उदास नहीं करेगा। सब तुम ही मेरे दोस्त हो। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये क्या? ओह यार, क्या लैंडिंग थी। ओह हाय, ये गड़बड़ मत देखो, मुझे इसे साफ करना चाहिए। मैं मदद करूं? ये लो। हे, देखो तो सही कहाँ लगा रही हो। ठीक है, तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो शुरू करें। मैं हूँ नया शेरिफ, मैं पूरी जगह साफ कर दूंगा। मेरा मतलब है रूम। तुम गलत समय पर गलत जगह पर आ गए हो। वो, ये बहुत बढ़िया था। अब सब सेफ है। अब मुझे ब्लू को बचाना होगा। घबराओ मत, शेरिफ क्रिस आ गया है। अब तुम सेफ हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। चलो तुमसे ये हटा दे। ये क्या था? मुझे पता होना चाहिए था। तुमने देखा मैंने उन्हें कैसे हरा दिया? मैं एक हीरो हूँ। ये क्या चीज है? इसे कचरे में डाल देते हैं। अब वो क्या कर रहा है? हे, तुम क्या करना चाहते हो? क्रिस, तुमने फेंक क्यों दिया? ये कचरा नहीं है। ये देखो, ये एक लैंप है। चलो हटाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बेहतर है। अब पंगा मत लेना, मेरे पास और भी काम है। ये तुमने क्या किया? मैंने अभी क्या कहा था? क्रिस, मैं आखिरी बार बता रही हूँ। एक सेकंड रुको, इससे मुझे एक आइडिया आया, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। पहले हमें एक रोप चाहिए, इसे सेक्शंस में काट देंगे। ये थोड़ा बोरिंग है, चलो इसे ब्लू पेंट करें। अब मुझे मेरी ग्लू गन चाहिए। रोप के कोने पर थोड़ी सी ग्लू लगा देंगे, ज्यादा नहीं लगानी। दूसरे एंड पर भी यही करेंगे। अब इसे एक लूप में मोड़ देंगे, एंड्स को साथ में जोड़ देंगे। मुझे यही तो चाहिए। अब इसे हम चिपकाएंगे, रोप लूप के ऊपर की तरफ ग्लू लगाएंगे और इसे बलून के साथ चिपका देंगे। पूरे बलून को इसी तरह कवर कर लेंगे। अब एक मजेदार हिस्सा, बलून को पॉप कर देंगे। इस तरह से इसे निकाल सकते हैं और हमारे पास ये अनोखा लैंप शेड तैयार है। बस एक चीज मिसिंग है, इस पर क्राउन लगा देंगे, बिल्कुल ब्लू की तरह। कमाल है। वाह, ये तो शानदार है। हाँ सच में, जैसा सोचा था उससे भी अच्छा निकला। ये सब मेरे और मेरे लासो की वजह से हुआ है। क्या? पूरे फर्श पर गंद मचा हुआ है। सही नहीं लग रहा, लगता है मुझे जुकाम लग गया है। इतना गन कैसे मच गया? थोड़ा समय लगेगा। मैं एक क्रेयॉन ही ढूंढ रहा था। बहुत गंदा है, पर क्या कर सकते हैं? क्या कर रहे हो? क्या ये तुम्हारी नोजी है? मुझे उल्टी आ रही है। चलो चलो छोड़ो इसे। तो मैं कहाँ थी? मैंने कर दिखाया। ये देखो, ये मेरी लेटेस्ट क्रिएशन है। तुम्हें कैसी लगी? ये तुम और मैं हैं। ओह, बहुत प्यारा है। मुझे कुछ ड्रॉ करना चाहिए। क्रेयॉन्स कहाँ है? वो यहीं कहीं होने चाहिए, शायद काउच के नीचे है। ओह, एक तो मिल गया। हे भगवान, नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे लगा तुम टॉयलेट जाना जानते हो। क्रिस, क्या मतलब, सच में ये कर क्या रहे हो? ओ अच्छा, ड्राइंग करते हुए भूख लग जाती है। मुझे चॉकलेट स्प्रेड बहुत पसंद है। रुको, क्या तुमने सोचा कि ये पूप है? हाँ, शुक्र है कि नहीं है, पर अगली बार चम्मच से खाना। जरा रुको। मैं जानती हूँ इसे कैसे ठीक करना है। मुझे ये कपड़ा चाहिए होगा और ये बकेट भी। हाँ, ये काम करेगा। मैं अभी आती हूँ। हे क्रिस, ये देखो, इस बकेट को दीवार पर लगा देंगे ऐसे ही, और इस पर अलग अलग कलर के कपड़े लगा देंगे, बिल्कुल रेनबो जैसे। अब इसमें टॉयज रख सकते हैं और तुम्हारे आर्ट सप्लाईज भी, सब एक ही जगह पर होगा। हाँ, मैं ऐसे ही रिएक्शन देखना चाहती थी। पकड़ो, मैं हमारे पोर्ट्रेट में कलर करता हूँ। इसके बाद अपने पेंसिल्स रख देना। एक बार में एक ही जीव होगी, पहले पिकाचू।
हे, इसे कहाँ रखूं? जरा रुको। हाँ, मुझे कोई दिख रहा है। शालालाला, ये कौन है? माफ करना, मैंने कुछ नहीं देखा। पिकाचू, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये अच्छा नहीं है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पिक्चर ले लो, तभी याद रहेगा। ये मेरे दिमाग में छप गया है। हमें कुछ करना होगा। मैं ये रोज सुबह नहीं देखना चाहती। हम क्या करें? मैं सोचती हूँ। रुको, लगता है मैं समझ गई। मुझे बस एक पेंटिंग चाहिए। ये क्या है? इसे लगा दो और कवर कर दो। तुम ये हाथों से क्या कर रहे हो? मुझे लगा कूल लगेगा। लो, अब वो नहीं दिखेगा। सरप्राइज। मुझे लगा ये काम करेगा। जरा रुको, मेरे पास एक प्लान है। देखते हैं हमारे पास क्या है। हमें यही तो चाहिए। मुझे बीच पर चलना बहुत पसंद है। मुझे भी। हमें काफी कुछ एक जैसा है। इससे सब ठीक हो जाएगा। हमारा एक कनेक्शन बन गया था। मुझे कॉल करना। अब सही है ना? हम कह सकते हैं कि एक मॉडर्न आर्ट है। मुझे पिकाचू की बहुत याद आ रही है। ओह, तुम वापस आ गए। यही हमारी किस्मत में है। हाय, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। ये लड़का कभी नहीं जाने वाला। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उसे और उसके फैंसी शैम्पूस को तो देखो। मैं ये टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने इसे पहले क्यों नहीं सोचा। मैं ऐसा ही कुछ ढूंढ रहा था। इसे दोनों कोनों से पकड़कर इस तरह फोल्ड करेंगे। हमें लेयर्स बनानी होगी। अब बीच से पकड़ लेंगे और साइड से फैला देंगे। चलो बाय बाय शावर गाय। ऐसे ही और दीवार पर चिपका देंगे। कैसा लगा? मैं आ गई। वो कहाँ चला गया? मुझे क्या पता, बहुत अजीब लग रहा था। मुझे वॉल आर्ट बहुत पसंद आया। कितना क्रिएटिव है। ये बहुत बेकार है। मैं थक गई हूँ। ये कारपेट इतना गंदा कैसे हो गया? तुम सुन रहे हो? मैं सफाई कर रहा हूँ और सोना भी रहा हूँ। ये हुई ना बात। कैसा लग रहा है? लगता है इतना काफी है। लिस्ट में और क्या है? क्रिस, हे बड़ी, तुम किसी चीज को सीरियस ले सकते हो? उसे मेरी सिंगिंग पसंद नहीं आई। सब कमियां निकालते हैं। मेरा फ्री स्टाइल देखो। पॉप इन लॉक बेबी, शा ला ला ला, वी डू डू डा डा। हाँ, ये क्या था? अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे इसे ठीक करना होगा। पर कैसे? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वो शावर वाले लड़के ने किया। तुम सोडा पी रहे थे। बहुत हो गया, अब और नहीं। सुना तुमने? मैं नहीं होने दे सकता। मुझे इसे साफ करना होगा। चलो निकल भी जाओ, ये काम नहीं कर रहा। ओ नहीं, मैं परेशानी में फंस गया हूँ। ऐसा दिखाते हैं कि ये एक पैटर्न है। रुको, बहुत हुआ। ये बहुत सिंपल है। मुझे बस ये टेप चाहिए। चलो काम पर लग जाएं। टेप को कारपेट पर लगाएंगे। इसे अलग अलग सेक्शंस में बांट लेंगे। पहले डायगनली बांटेंगे। अब छोटे छोटे पार्ट्स मार्क करेंगे और पेंट्स लेंगे। कारपेट का हर सेक्शन अलग अलग कलर्स में पेंट करेंगे। टेप इसके बॉर्डर का काम करेगा और इन धब्बों पर भी पेंट कर देंगे। ये बढ़िया लग रहा है। जब ये हो जाए तो टेप को निकाल देंगे। बढ़िया लग रहा है। वाह, कितना कलरफुल है। कभी कभी मैं खुद को हैरान कर देता हूँ। और सोना वाला दाग नजर भी नहीं आ रहा। पिकाचू को ये बहुत पसंद आएगा। यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये नया कारपेट है? हाँ, नहीं नहीं, मैं तो कुछ ट्राई कर रहा था। वो ये तो कमाल का है। क्या ये सच में तुमने किया? हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। हाँ, मैं जानता हूँ इस आवाज का मतलब क्या है। मतलब एक नया पोकेमोन अवेलेबल है। वेस्ट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत मजा आएगा। मुझे चलना होगा। मुझे अपने एक गेम शुरू करनी होगी। लगता है मेरे पास सब आ गया है। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? अब कहाँ जाना है? इस तरफ। लगता है मैं सही जगह पर जा रहा हूँ। अब यहाँ जाना है। तुम कहाँ हो? बस मैं गुम ना जाऊं। ओप्स, माफ करना। हे, ये क्या? अब दूर नहीं है, बस थोड़ा सा और। मैं पास ही हूँ। हाँ, वाओ, मैं अंदर नहीं जा रहा, पर वो मुझे मिल गया।
मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या दिन है ना, बहुत खूबसूरत है। ये देखो, हे कहीं मत जाओ, चला होगा। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे पकड़े, इतनी जल्दी नहीं। आ जाओ ब्रो। तो ये कैसा लगा? हे मैं आज नहा चुका हूँ, सीधे खड़े रहो। ओ बच गए, पकड़ लिया। ओ, चलो भी, मैंने कल दिखाया, पकड़ लिया। हे ये लो। ओह ये ठीक नहीं है। तो तुम ऐसा करना चाहती हो? अब हम इसे शेक करेंगे। भूकंप आ गया। हाँ, मुझे चक्कर आ रही है। अब पता चला। ठीक है, मुझे माफ कर दो। ये बुक कितनी बोरिंग है। ओ, कितना प्यारा है। क्यूट किटी, तुम स्कूल में क्या कर रही हो? जरा रुको, खेलना चाहोगी? जाओ लेकर आओ। चलो चलो, किसका इंतजार कर रही हो? तुम बिल्कुल मजेदार नहीं हो। हाँ, मैंने उसकी उम्मीद नहीं की थी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। देखो, तो तुमने मदद के लिए बुलाया है, तो चलो। ठीक है, क्या ये नॉर्मल है? ध्यान से। बाल बाल बचे। एक सेकंड रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं ये प्लांट पॉट इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब हम क्या करें? तुम कहाँ चली गई? जूली, जूली, तुम यहाँ हो, तुम क्या कर रही हो? ये क्या है? हाय, क्या चल रहा है? मैं छिप रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह, कितने सुंदर फूल हैं। हम यहाँ छिप सकते हैं। वहाँ क्या हो रहा है? एकदम शांत है ना? हाँ, एक प्लांट पॉट। फूल तो बहुत सुंदर हैं। मुझे इनसे खुशी मिलती है, बहुत खुशी। ये ट्री कितना फनी सा है। मैं इसे स्क्रैच करूंगी। प्लीज मत करो, बहुत दर्द हो रहा है। ये स्मेल कैसी है? कोई बात नहीं, मैं यहाँ अपना सेंट छोड़ देती हूँ। ओह हाँ, अब अच्छा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लीज इसे रोको। विश्वास नहीं होता ये पोकेमोन मुझ पर सुसू कर रहा है। ऐसी चीजें मेरे साथ ही क्यों होती है? मेरी मॉम बहुत गुस्सा होने वाली है। ये तुम हो। अब हम क्या करें? हमें पोकेबॉल इस्तेमाल करनी होगी। ये लो। मैंने संभाल लिया, ये इतना भी मुश्किल नहीं था। ओह शुक्रिया, पर मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी है। हाँ चलो काम पर लग जाए, यहाँ से शुरू करेंगे। चलो पहले जगह बनानी होगी। ये हटा देते हैं, इसका क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है मुझे देख रही है। ये ठीक नहीं है ना, इसे हटाना होगा। क्या वर्कआउट है। मॉम डैड को मुझे इसके लिए पैसे देने चाहिए। ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। मैं थक गई हूँ। चलो भी, ये इतना भारी क्यों है? ये बेहतर है, जैसे खाली कैनवस हो, और मुझे यही तो चाहिए। ये रहा एक फ्लेमिंगो टेम्पलेट, इसे दीवार पर लगाएंगे। थोड़ा और चाहिए। हाँ अब बारी है पेंटिंग करने की। आर्ट बनाना बहुत रिलैक्सिंग होता है, क्या पता ये मास्टरपीस बन जाए और मिलियंस में बिके। शायद नहीं, पर मुझे ये पसंद है। बस होने ही वाला है। कैसा लग रहा है? मैं जानती हूँ तुम्हें पसंद आया। ऐसा लग रहा है ट्रॉपिकल पैराडाइज है, पर यहाँ कुछ मिसिंग है। और वो क्या है? समझ गए, एक मिनट दो। लो, मेरा बेड यहाँ आ सकता है। ये काफी बेहतर है, मुझे आराम कर लेना चाहिए। कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा, ये नहीं चलेगा, मुझे ये ठीक करना होगा। ब्लैंकेट को बेड पर डाल देते हैं, इससे सॉफ्ट हो जाएगा। अब मैं इस पर पिलोज रख देती हूँ। अब ये कोजी लग रहा है। मुझे और क्या चाहिए? ओह एक बढ़िया आइडिया है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मैं अपनी मूव्स की बात नहीं कर रही, मैं अपनी स्लाइड की बात कर रही हूँ।
मैं इसे पोजीशन में रख देती हूँ, टॉप बंक से कनेक्ट कर देंगे, बहुत बढ़िया होगा। अब इस पूल को फुलाना होगा। ये मुश्किल है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। एक बेहतर आइडिया है, मुझे बस मेरा हेयर ड्रायर चाहिए और प्लास्टिक की बोतल, बोतल के टॉप को हेयर ड्रायर के ऊपर लगा देंगे और बस इसे टिका देंगे, अच्छे से सिक्योर करेंगे, ये काम आएगी। बहुत ही बढ़िया, पीव पीव। इसे पोल के वाल्व पे रख देंगे और स्विच ऑन कर देंगे। देखो ये काम कर रहा है, वाह कितना आसान है और इतनी जल्दी हो गया, काश मुझे पहले मिल जाती। ये तैयार है, अब मुझे ये नहीं चाहिए। अब इसे पोजीशन में रख देते हैं, स्लाइड के नीचे का हिस्सा सही रहेगा। एक और काम हो गया, पर मैं इसे किससे भरूं? बॉल से, बहुत सारी बॉल्स के साथ। ट्राई करने के लिए तैयार हो? बहुत मजा आएगा, मैं आ रही हूँ। बहुत ही बढ़िया था, इससे अच्छा आइडिया मुझे कभी नहीं आया। मैंने पहले क्यों नहीं किया? हेलो ग्रेस बोल रही हूँ, तुम्हें मेरे घर पर आना होगा, पार्टी करेंगे। ग्रेस, हे भगवान, बहुत मजा आएगा। हे पार्टी, ठीक है। हेलो पार्टी है, मैं पहुँच जाऊंगी। हेलो, वाह मजा आएगा। हाँ मैं आ रही हूँ, मुझे पार्टी बहुत पसंद है। सच में? तो ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी मिलती हूँ। ओह हाँ, मैं इनवाइटेड हूँ। वाह, थोड़ी लेट होगी, तो फिर मिलते हैं, बहुत मजा आएगा। एक और। ये बॉक्सेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लगता है मुझे मिल गया। खैर छोड़ो, एंड्स को तो बंद करना है ना। चलो टेप से करते हैं। कितनी स्टिकी है, मुझे ग्लासेस चाहिए, ये चलेगा। इसे एक बार और ट्राई करेंगे, मुझे समझ आ रहा है। मैं ये ले लूं मॉम, लगता है पूरा हो गया। आप ठीक तो हो? ओह हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनकर अच्छा लगा, अब ये पूरा नहीं हुआ, मैं तो ये कब से कर रहा हूँ। ओह क्या ये सब आपने किया मॉम? हाँ मैंने कोशिश की। जरा रुको, हम ये रोप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहाँ जा रहा है? बहुत ही लंबा है, लगता है हम पहुंच गए, लगता है हम इसे खींच सकते हैं। चलो चलें। वे बच गए। पहले इस टॉय बोन को लेते हैं, बाकी की चीजें भी इसे रस्सी से बांध देते हैं। टडा! अब गन नहीं बचेगा, पक्को जो भी चाहिए वो सब यहाँ है। पर अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसे बेड से बांध देते हैं। नायोमी पग, ये तैयार है, चलो देखें। ये देखो, वो ये सब तुम्हारे लिए है पॉप। थैंक्स मॉम। कहाँ से शुरू करूँ? अभी बहुत सारा काम बाकी है, बेड का कुछ करना होगा, बहुत मजा आएगा। माफ करना बेड, अब मैं तुम्हें देखती हूँ। ये लो, इससे स्ट्रेस रिलीज होता है, मैंने कर दिखाया। हाँ अब क्या करें? अरे वाह ग्रेस ने शुरू भी कर दिया, पहले क्या करूं? खैर मुझे एक बेड चाहिए, चलो काम पर लग जाए। मुझे एक प्लान चाहिए। वो कैसा दिखेगा? ओह समझ गई। ओह मेरा तो वर्कआउट ही हो गया, ब्लूप्रिंट्स ड्रॉ करना काफी मुश्किल है। ओह मुझे लगा था ये आसान होगा। ये हम यहाँ रखेंगे और ये। ओह अच्छा लग रहा है, मुझे कारपेंटर को बुला लेना चाहिए, स्टोरेज स्पेस कम ही पड़ जाती है। ये बहुत अलग है, मुझे अब गुस्सा आ रहा है। बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें देखती हूँ। मुझे चक्कर आ रहे हैं, लगता है अब तो मैं गई। ये कमरा घूम रहा है, वो
वाह, मैंने कर दिखाया। मुझे खुद पर गर्व है। लो, हमने बेडशीट बिछा दी। मुझे ग्लिटर चाहिए। इसे फर्निश करना होगा। कितने प्यारे शूज हैं। ये अच्छा लग रहा है। हेलो हैंडसम, मेरी बुक्स यहाँ आएंगी। क्या मिसिंग है? ओह, मैं समझ गई, मेरा क्लास बुक, मेरा खुद का वर्क स्पेस। अब इसे बेहतर लग रहा है। कितना क्यूट है। और ये सब मैंने खुद किया। चलो बेड पर बैठकर देखें। हाय एमिली। मुझे ये वाला आता है। एमिली हाय। हे, ये बहुत मजेदार है। मुझे अपना कमरा साफ रखना होगा। कमरा जितना साफ रहेगा मेरा दिमाग भी उतना शांत होगा। लगता है सब हो गया। ओह, ये ठीक नहीं लग रहा। मैं इसे साफ कर देती हूँ। हाँ, ये क्या हो रहा है? क्या ये स्टिकर है? बहुत अजीब बात है। क्या आपने ये देखा? हाँ, अब ये निकल रहा है। अब तुम नहीं बच सकते। सब उतार दिए। ये जाएगा कचरे में। मैंने मिस कर दिया। मुझे इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। चलो दोबारा ट्राई करें। रुको जरा। कूल, एक फ्री टीवी। मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये यहाँ रहेगा। देखते हैं क्या आ रहा है। मुझे आराम करना है। इसे ऑन होना चाहिए था। चलो भी ऑन हो जाओ। मेरे घर को क्या हो गया है? हेलो, रुको, ये गलत रिमोट है। पर अभी भी काम नहीं कर रहा। शायद ही खराब हो गया है। ग्रेस, मैं पहुंच नहीं पा रही। ये क्या कर रही है? पकड़ लिया। वो, आउच, मेरी कमर। कम से कम कॉमेडी शो देखने को मिला। हे, हंसने की बात नहीं है, माफ कर दो। पर इससे मुझे एक आइडिया आया। अगर मैं और फिर वो, लगता है ये काम करेगा। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले टीवी को उल्टा करेंगे। अभी तक तो सब ठीक है। इसे निकाल कर यहाँ रख देंगे। अब इसकी जरूरत नहीं है। चाहे जो भी हो। और इसे भी हटाना होगा। वो, ये भारी है। अब मुझे जिम जाने की जरूरत नहीं है। बहुत मेहनत हो रही है। अब मुझे एक बॉक्स चाहिए। अब इसे टीवी के पीछे लगा देंगे। अब इसे टिका देंगे। मेरा रिमोट कहाँ है? आहा, मिल गया। अब ये काम कर रहा है। मजा आ गया। मैं ये एलईडी स्ट्रिप्स इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसे टीवी में लगा देंगे, इसके साइड्स पर। इतना काफी है। अब इसे शेल्फ पर रख देती हूँ। अभी पूरा नहीं हुआ। इसमें मैं अपने स्नैक्स रखूंगी। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। वो, कितना कूल है। तुम्हारे पास टीवी है? हाँ, मुझे पसंद आया। पर ये शो बोरिंग है। तुम मजाक कर रही हो ना? ये तो मुझे खराब लगता है। सब चैनल पर यही आ रहा है। मैं कुछ नहीं कहूंगी। पर हमें यहाँ कुछ करना होगा। हाँ, चलो काम पर लग जाए। सबसे पहले सफाई करेंगे। तो चलो। यहाँ इतने सारे बॉक्सेस क्यों हैं? किसी ने इस रूम को कचरा घर बनाया हुआ था। ओह, यहाँ पर स्पाइडर वेब्स भी हैं। शुक्रिया, स्पाइडर्स नहीं है। कितना स्टिकी है। ये लो, मेरी उंगलियों से हटो। फिर हमने कर दिखाया। अब ये जगह एकदम साफ हो गई। बहुत काम था, मैं बहुत थक गई हूँ। ये सब छोड़ो, मैं तो सोने वाली हूँ। मिकी सो गई, यही मौका है। मैं इन सीढ़ियों से ऊपर बेड और बेडरूम की तरफ जाती हूँ।
मैं आ ही गई। रिया, बिल्कुल शांति से जाना होगा। मैं बहुत धीरे धीरे पैर रखूंगी, ठीक है? इस बॉक्स में क्या है? कुछ ऐसा जिससे मुझे गर्माहट मिले? कुछ नहीं है, देखते हैं। ओह, ये फैब्रिक कैसा रहेगा? शायद ये काम आए। मुझे कचरे में भी देख लेना चाहिए, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। नहीं, लगता है यहाँ कोई है ही नहीं। हे भगवान, इसमें तो मॉन्स्टर है। ये मुझे मत मारना मॉन्स्टर। मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम बहुत डर गई। ये क्या है? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हे, एक सेकंड रुको, ये सूट तो बहुत फ्लफी और वार्म है। इससे मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया। हाँ, इस फैब्रिक को यहाँ रखेंगे और रूलर निकाल लेंगे, मार्कर से सीधी लाइंस बनाएंगे। ये देखो, अब इस पर हमने चेकर बोर्ड का पैटर्न बना लिया है। अब हमारे पास ये प्लास्टिक और मेरे यार्न कलर्स है। पहले इसके आस पास यार्न लपेटेंगे, इसे पूरे स्टिक को कवर कर लेंगे। अब इस पर हॉट ग्लू लगाएंगे, इसके कोने पर हॉट ग्लू की पूरी लाइन खींचेंगे। अब इसके ऊपर यार्न स्टिक लगाएंगे, इसे टिका दे और इसके बाद कैंची से इस यार्न को काटते जाएं। पूरे फैब्रिक पर ऐसा ही करेंगे। हाँ, पूरा फैब्रिक कवर हो गया। इसे थोड़ा फ्लफ अप कर देंगे। अरे वाह, जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा बन गया। कितना कॉम्फी और सॉफ्ट है। वाह वाह, विश्वास नहीं होता ये तुमने बनाया। थैंक्स, मुझे लगा हमें यहाँ कुछ सॉफ्ट चाहिए होगा। अभी बहुत काम बाकी है, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इसे हटाना होगा। तुम यहाँ आओ, टीवी में देखने के लिए कुछ भी नहीं है। पार्टी में प्लेलिस्ट अच्छी होनी चाहिए, पर मैं इस पुराने से स्पीकर में नहीं सुनूंगी। चलो ये बॉक्सेस हटा दें। लगभग हो गया, बस कुछ आखिरी की चीजें बाकी हैं। पता है ना मैं क्या करूँगी? हाँ, चलो इस स्टैंड को कोने पर लगा देंगे, ये जगह ठीक लगती है। चलो देखते हैं। ये थोड़ा बोरिंग है, चलो डेकोरेशन लेकर आए। कूल है ना? समझे, ये फैन है, ये यहाँ आएगा। हमें और चाहिए, इससे पार्टी मूड जरूर बन जाएगा। ये दीवार पर लगेंगे। अब ये बन रहा है, बहुत बढ़िया लगेगा। ये बंटिंग स्टैंड पर अच्छी लगेगी। ये साल का सोशल इवेंट होगा, पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। दीवार पर ये मेन फीचर होगा, थोड़ी मदद करना। इसे स्मूद आउट कर लेंगे ताकि क्रीसेस ना रहे। मुझे प्यास लग गई, मजाक कर रही थी, ये खाली है। इसे दीवार पर लगा देंगे, थोड़ा और लगाएंगे। एक और कप की जगह है। मेरा फेरियस व्हील तैयार है। वाह, मुझे पसंद आया। अब स्काईलाइन की बारी। क्लाउड्स कितने प्यारे हैं, ऐसा लग रहा है मैं बीच पर हूँ। बस थोड़ा टैन हो जाए। अब दूसरी वॉल की बारी है। तो चलो, ये स्पीड डेकोरेटिंग। हॉट एयर बलून कैसा रहेगा? परफेक्ट, लगता है डांस मूव्स की प्रैक्टिस करने का सही मौका है। ये काफी है, मैं थक गई। हाँ, मुझे ड्रिंक्स और स्नैक्स चाहिए, मुझे किचन में देखना होगा। पार्कोर, मैं चली जाऊं? आहा, मैं यही तो ढूंढ रही हूँ, तुम मेरे साथ आओ। मैं निकल जाऊं? एकदम आराम से आ गई, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इन्हें यहाँ रख देते हैं, ये होगा मेरा बार। इसे देखकर मुझे भूख लग गई, जल्दी से ग्लासेस चेंज कर देते हैं। ये रही रिफ्रेशिंग ड्रिंक। आह, मजा आ गया, पर मुझे अलग तरह के ग्लासेस चाहिए क्योंकि ये पार्टी है। मजा आ रहा है, तो मूड भी बना लेते हैं। लगता है ये स्वादिष्ट है। और एक छोटा सा अम्ब्रेला, अब हम रिलैक्स कर सकते हैं और पार्टी मूड बना लेते हैं। पोटैटो चिप्स, मैं घंटों तक खा सकती हूँ, ये मेरे फेवरेट है। हाँ, मुझे नहीं लगता हमें आइसक्रीम बार भी क्यों करनी चाहिए। हाँ, क्या ये आवाज कैसी है? मैंडी, तुम जाग रही हो? देखो मैं क्या लाई, बीन बैग चेयर्स, ताकि हम इनके ऊपर बैठ पाए। वो ये क्या है? ये हिल क्यों रहा है? हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी उन सीढ़ियों पर चढ़ जाओ। रुको, ये यहाँ भी हिल रहा है। हो क्या रहा है? शायद भूकंप। चलो भी, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो ये क्या है? हे, यहाँ तो क्लब पार्टी हो रही है, कम से कम ये भूकंप तो नहीं है। मैंडी, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं ये बलून्स ले जा रही हूँ। क्या? चलो वापस सीक्रेट रूम में चलते हैं।
फिर यहाँ बहुत शांति है, काफी बेहतर। और मैं ये बलून्स भी ले आई। हाँ चलो अब काम पर लग जाए। ये रहा एक बड़ा प्लास्टिक बैग, मैं इसके अंदर बलून्स डालूंगी, सब फिट आ जाएंगे। ये आखिरी है, अब अच्छे से बैग को बंद कर देंगे। इस प्लास्टिक हब के कैप को हम निकाल देंगे। अब इसके अंदर की सारी हवा हम इस वैक्यूम से निकाल लेंगे। ये देखो अब इस बैग की सारी हवा गई। अब बस इस पर कैप लगा देंगे ताकि हवा बाहर ही रहे। ये देखो मुझे एक बढ़िया बीन बैग चेयर मिली और एक बलून ऑटोमैन। कितनी जबरदस्त पार्टी है, फायर सबसे अच्छा एलिमेंट है। यहाँ कितना आराम मिल रहा है। हे मैंडी, कमाल की पार्टी थी, मैंने बहुत अच्छा समय बिताया। वो ये क्या है? तो तुमने मेरा बलून फर्नीचर देख लिया? अच्छा है ना। खैर मेरे पास भी बलून है और देखो मैं इसे जला सकती हूँ। जो भी है। हे मैंडी, ये बहुत तेज है। मैंडी रुको इसे। क्या हुआ मिकी? मुझे इतनी बढ़िया हीट की वजह से तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मजा आ गया। ये चिप्स अच्छे है। वो ये क्या? ये बॉक्स तो चल रहा है। ये रहा एक कमाल का बॉक्स हमारे सीक्रेट रूम के लिए। ठीक है, बढ़िया है ना? सुनो इसकी चिंता मत करो विकी, मैं इसका ख्याल रखूंगी। पहले पेंट का कोट कर देते हैं। हाँ अब इस तरफ के लिए ऑरेंज करेंगे। लो अब इन्हें छोटे पीसेस में काटेंगे। अब इसे बॉक्स के साइड्स में लगाएंगे। इनके बीच में थोड़ी जगह छोड़नी है तब ये ब्रिक्स जैसी दिखेंगी। थोड़ा आगे पीछे लगाएंगे ताकि ये असली लगे। हाँ बस आखिर में यहाँ एक और लो कुछ पार्टी लाइट्स, क्योंकि लाइट से ये और मजेदार हो जाएगा। ब्राउन पेपर लेकर उसे ब्लैक पेंट करेंगे। ये सूख गया है तो हम इसे थोड़ा क्रम्पल कर सकते हैं। इस कैंडल को जलाएंगे। देखो कितना सुंदर है। देखो मेरी फायर प्लेस बन गई है। अब सब कुछ कितना कोजी है। ये क्या? हाँ मैं श्योर नहीं हूँ पर मुझे भी लगता है कुछ करना चाहिए। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ बिल्कुल, चलो पेंटिंग करें, मेरे पास स्टेंसिल्स है। अरे वाह मेरे पास भी स्टेंसिल्स है, फ्लेम वाले। कूल है ना? ये तो बहुत कमाल के लग रहे हैं। हम बहुत स्मार्ट है। जरा ये वाला तो देखो। कितना प्यारा है। हाँ ये फ्लेम भी अच्छी लग रही है। हाय हाय, हम इसमें माहिर हैं। से गंदे कमरे को भी हम एक खास कमरा बना सकते हैं। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।